तो कैसे मेरे नौजवानों, आई होप कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे एयरफोर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि भाई एयरफोर्स का अपना डेट जो है कि अनाउंस कर चुका है, नवंबर में आपका एग्जाम होने वाला। तो फ्रेंड्स देखो, मेरा टारगेट रहेगा कि आपके पूरे इंग्लिश भाई इस मतलब नवंबर के आसपास जितने डेज बच रहे हैं उसके अंदर मैं आपको कंप्लीट कर दूँ। मेरा स्ट्रेटजी क्या रहेगा देखना ध्यान से। जैसे कि अभी मैं ये 15 to 20 days, ठीक ना, इसके अंदर मैं आपको चैप्टर वाइज, इसके अंदर मैं आपको चैप्टर वाइज कराऊंगा, जैसे कि ग्रामर्स, ठीक है, और इसके साथ साथ आपका वोकैब का सेशन रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंटो साइनो, ठीक है भाई, और उसके बाद जो भी इसके अंदर आते हैं, ठीक ना, स्पेलिंग मतलब इरर्स आते हैं, उस सारे के सारे मैं वोकैब के सेशन में करवाऊंगा, ठीक है। और 15 to 20 days के अंदर मैं मेरा ये टारगेट कि चैप्टर वाइज, ठीक ना, जैसे कि अभी वॉयस नरेशंस जो भी पूछे जाते हैं चैप्टर वाइज उठाऊंगा। सीधा पहले मैं उसका बेसिस बताऊंगा, जो कि जो भी मतलब कमजोर मतलब स्टूडेंट है जिसको थोड़ा सा इंग्लिश से डर लगते हैं, उनको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उनके लिए मैं पूरा बेसिक्स थोड़ा सा बता दूंगा। देन आफ्टर मैं सीधा क्वेश्चन लाऊंगा, मैं रूल्स नहीं डिस्कशन करूँ, सीधा क्वेश्चन लाऊंगा और उस क्वेश्चन के बिहाफ पे मैं आपको रूल्स डिस्कशन करवाऊंगा, ठीक है भाई। इसे क्वेश्चन दिया और उस क्वेश्चन से जितने सारे रूल बन सकते हैं, जितने जितने सारे क्वेश्चन मतलब आ सकते हैं, ठीक है, जहां जहां कुछ भी हो भाई, पूरा धुआं धुआं आग लगा देंगे, आग, आप टेंशन मतलब भाई, ठीक है। तो इतने डेज मत अंदर अंदर मैं आपको पूरा ग्रामर्स चैप्टर वाइज पढ़ा दूंगा, ठीक है। दिन आफ्टर होगा क्या कि जो भी डेज बचेंगे, ठीक है, तो मैं उसके अंदर मिक्स करूंगा, ठीक है, मिक्स मतलब जो भी जितने सारे मिक्स क्वेश्चन होते हैं उस वह मिक्स क्वेश्चन करूंगा आपके साथ, ठीक है। और उसके आधार पर भी मैं आपको जो भी अगर दिक्कत आ रही होगी, परेशानी आ रही होगी, तो मैं वहां पे भी आपको रूल्स को डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट रहने वाला, ठीक है। आप हो जाओ तैयार भाई एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स के लिए भाई हो जाओ तैयार, ठीक है। और जो सर ये जो ये इंग्लिश का जो भी रहता है एक्स एंड वाई में, देखो ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं, दोनों का लेवल सेम ही रहता है, ठीक है भाई। मतलब 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा उसमें हुए नहीं रहता, तो आप उतना टेंशन मत लेना, ठीक है, एकदम लेवल दोनों का सेम रहता है, आराम से पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और देखो आपको लग रहा होगा कि भाई कैसे क्या होगा, अभी मैं भी मतलब कि जस्ट मेरा अभी अगर और आपको देखना ना वीडियो ग्रामर का, तो मैं अभी देखो मैंने पूरा एकदम जीरो लेवल से ग्रामर स्टार्ट किया था पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं उसको ब्रेक कर चुका हूँ। मैंने नाउन पढ़ा दिया था 13 लेक्चर में, जो कि आधा आधा घंटा का लेक्चर है, सिंटेक्स पढ़ा दिया था, ठीक है पूरा, और नाउन पढ़ाया, उसके बिहार पे मैंने कॉमन एरर करवा दिया हूँ, और उस कॉमन एरर से आपके एनडीए के एग्जाम में भाई हू बहु क्वेश्चन फंस गया था। बिलीव नहीं तो आप ना जाओ, प्लेलिस्ट बना हुआ है कॉमन एरर इन नाउन बाय यूनिक असतो से, आप उसमें देखो वीडियो भाई, टॉप 10 क्वेश्चन में ही वो क्वेश्चन फंस गया था। अगर मेरे पास की नहीं है तो भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और क्वेश्चन आप एनडीए का उठा के देख लो, मैं डिस्कशन भी करवाया था एनडीए का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बात है भाई, तो यहाँ पे एयरफोर्स एक्स एंड वाई के लिए भी एकदम जम के तैयारी कर लो भाई, ठीक है। ये मत सोचना कि यार अभी तुम्हारे पास समय है, ये हुए है, नहीं भाई, पूरा आराम से देखो, ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और देखो यार, बहुत लोग कहते हैं कि यार मोटिवेशन मतलब अब बताओ कोर्स बताओ, देखो यार मैं तुमको सभी बता दूं, आप लोगों को आपसे बड़ा मोटिवेशन किसी कोई नहीं हो सकता, देखो कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता खुद अपने आप के सिवाय। जो 4 लाइन का यहाँ पे कोटेशन लिख देते ना लोग, ऐसे आपको बहुत जोश आ जाता है हम पढ़ने, तो वह कितना देर के लिए भाई, बस थोड़ा देर के लिए रहता है, ठीक है, उसके बाद वो सब हट जाता है। जब तक भाई यहाँ पे इसमें सेट नहीं ना भाई कि हमें कुछ कर गुजरना है, हमको इस बार अच्छा स्कोर करना है, तो कुछ भी नहीं होने वाला भाई। ये तो बातें खत्म हो गई, देखो आप ये समझ गए ना कि मैंने 15 to 20 days के अंदर अंदर मैंने पूरा आपको ग्रामर खत्म कर देना, ठीक है, चैप्टर वाइज। देन आप लोग को मिक्स करवा देना है, देना पर भाई आपका वोकैब का सेशन ऑलरेडी चल रहा है, और आपके लिए ऑन ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वीडियो तो आ ही रहा है, और उसका बहुत ही मतलब तगड़ा लेवल का रिस्पॉन्स, यार क्या ही मतलब, आप लोग तो कितना अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे हो यार, मतलब भाई वीडियो डाले कि नहीं भाई, इतना मतलब बिगिनिंग चैनल का भाई वीडियो डालना अप्रोक्स 100 के आसपास व्यूज आना, मतलब पॉजिटिव भाई, अभी तक 2 वीडियो में डाला हूँ, दोनों में 100 के आसपास व्यूज है भाई, मतलब। और आप लोग, हाँ एक जरूरी बात, आप लोग बोलते हो सर आप पीडीएफ मुझे प्रोवाइड करवा, पीडीएफ प्रोवाइड करवाइए, तो देखिए आज यदि आपको पीडीएफ लेना होगा ना, तो आप भाई टेलीग्राम पे एजुकेशन लवर से एक ये चैनल बना रखा है, वहां पे जाना, आप उसमें ज्वाइन हो जाना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अदरवाइज आप मेरे डिस्क्रिप्शन जब खोलोगे ना, वहां पे नीचे नीचे का डिस्क्रिप्शन होता है, वहां पर आपको एक इंस्टाग्राम के जस्ट नीचे या फिर ट्विटर के जस्ट नीचे एक लिंक होगा टेलीग्राम का, ठीक है, उसको आप क्लिक करना और वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है।
तो वहां पे आपको मैं ग्रुप ये टेलीग्राम पे ये सारे के सारे जो भी मतलब बताता हूँ ना, तो आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना। चलिए फ्रेंड्स, इस सबको रफ करते हैं और फटाक से आज मैं आपको भाई वॉयस पढ़ाने वाला हूँ। और यू नो कि वॉयस से भी आपके एक नंबर फंसते हैं, एक नंबर स्पेशली वॉयस से आते हैं, और क्या पता कॉमन ईयर भी वॉयस है कुछ दे, ठीक है। तो ये भाई इग्नोर करना, इग्नोर मत करना भाई, वॉयस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखने वाले हैं और वॉयस करने भाई आग लगा देंगे आग, टेंशन मतलब। अभी मैं पूरा बेसिक्स पढ़ाऊंगा, जो भी मतलब नए स्टूडेंट हैं जिनको मतलब नए नए आए हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, उनके लिए भाई थोड़ा सा यार आप लोग भी मतलब वे करो भाई, उनके लिए थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नॉर्मल लेवल का। देन आप मैं आपके लिए क्वेश्चन सीधा लाऊंगा और सीधा फटाक से आंसर, ठीक है। तो चलो यार, आज इंट्रो क्लास था तो थोड़ा सा टाइम लग गया, बट इसके लिए रियली सॉरी। या वीडियो देखना चाहते हो तो फिर यहाँ से डायरेक्ट स्किप कर देना, वीडियो देख लेना, मैं टाइम डाल दूंगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, वॉयस स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको वर्ब के बारे में बताना चाहूंगा, ठीक है। जैसे कि वर्ब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, ठीक है ना, ये दो प्रकार के आ जाते हैं यहाँ पे। तो दोनों का यहाँ पे मैं चार्ट जो है ना इधर के साइड में शो करवा दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसे देख लेना, मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि टाइम आपका लग जाएगा, ठीक है। तो इधर के साइड में शो हो रहा होगा, आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। तो देखो, वॉयस में बेसिकली होता क्या ना, ट्रांजिटिव वर्ब का ही अध्ययन करना वॉयस कहलाता है, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब का अध्ययन करना ही वॉयस कहलाता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको पूरा टेंस बेस्ड पे कैसे क्या चेंजेज होते हैं सब कुछ मैं बता देता हूँ, ध्यान से आप पढ़ना, इत्मीनान से पढ़ना, कोई दिक्कत वाली परेशानी नहीं, आपको बोला तो मैं करवाऊंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो, तो सभी लोग ऊपर हेडिंग डालो, आई होप कि यहाँ पे दिख रहा होगा वॉयस, ठीक है। देखो, ये आपके क्रम में दो दो रूप में आते हैं, ठीक है, एक तो आते हैं एक्टिव वॉयस और एक आते हैं पैसिव वॉयस, ठीक है। देखो, तो मैं बेसिक्स बात पहले बता देता हूँ आपको, जो भी नए कैंडिडेट है, ठीक है। यदि फ्रेंड्स क्वेश्चन रहेगा एक्टिव में, अगर क्वेश्चन रहेगा एक्टिव वॉयस में, ठीक है, तो देन आपको इसको चेंज करना रहेगा पैसिव वॉयस में, फर्स्ट बार। देन अगर क्वेश्चन रहेगा पैसिव वॉयस में, देन आपको चेंज करना है एक्टिव वॉयस में। सर, इसको पहचानिए कैसे कि सर ये एक्टिव वॉयस है या फिर पैसिव वॉयस है, बताएंगे। ओके, आप लोग हेडिंग डालिए। अब यहाँ पे प्रेजेंट, आई थिंक इसको मैं इरेज कर सकता हूँ, मे बी थोड़ा ऊपर जगह दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे दिख रहा हो आपको, आई होप दिख रहा होगा। देखो, आप हेडिंग डालो टेंस पहले, ठीक है ना, सॉरी, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, या फिर उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही बोलते हैं, ऐसा आप हेडिंग डाल लो, ठीक है। देखो, इसके पहले आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप वॉयस अच्छी तरह से बना पाओगे। देखो, लेक्चर लंबा जा सकता है, अब मतलब ये मत करना, लेकिन मैं इतना गारंटी दे देता हूँ कि भाई आपसे वॉयस से क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, मैं इतना तक पढ़ा दूंगा, टेंस मत लेना। देखो, तो सबसे पहले आपके ना ये आपको पता होना चाहिए, टेंस का नॉलेज होना चाहिए, तब देना आपको वॉयस नरेशंस, ये सब भाई टेंस पे डिपेंड है, आपको ये बात थोड़ा पता होना चाहिए। बहुत लोग कंफ्यूजिंग कर जाते हैं भाई कि वॉयस और नरेशन में, क्योंकि वहां पे कुछ भी मतलब चेंज कर देते हैं। देखो, यहाँ वॉयस में एक एक जगह जगह पे आपको खतरा है, ठीक है। और दूसरा बात की देखो भाई, पैसिव वॉयस में ना वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉयस का आत्मा है, जैसे हमारे शरीर में आत्मा होता है ना, सेम उसी तरह से पैसिव वॉयस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म उसका आत्मा है, बिना थर्ड फॉर्म का पैसिव वॉयस नहीं बन सकता है, श्योरली। देखना, तो ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर पहले आपको बताओ, कहता क्या है भाई, सब्जेक्ट, ठीक है, इसमें भाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हैं ना कि वर्ब में एस या ईएस लगा दो, ठीक है भाई, और उसके बाद क्या होता है प्लस ऑब्जेक्ट कर दो, देन तो यही जो इसका स्ट्रक्चर है ना भाई। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, फटाक से। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिया राम, आई होप कि दिख रहा होगा, इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो, ठीक है। तो देखो भाई, ये सेंटेंस किसमें है, एक्टिव वॉयस में, किसे भाई, एक्टिव वॉयस में, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका ये बेसिक्स फॉर्म है। लेकिन भाई पैसिव वॉयस में क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आते हैं, देन आफ्टर जो भी प्रक्रिया होता है, देन आफ्टर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है, तो दैट्स अ कॉल्ड मतलब ये एक्टिव वॉयस में सेंटेंस है, ठीक है। और ये बेसिक्स स्ट्रक्चर पे फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसको हम कहेंगे एक्टिव वॉयस, ठीक है। तो भाई ये बनेगा कैसे, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने लिख रहा होगा, आप लोग अभी पेन कॉपी उठाइए और लिखते रहिए। देखिए, तो राम इट्स अ मैंगो, ये एक्टिव वॉयस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक्टिव वॉयस का स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके आधार पर है सब्जेक्ट
एस या ईएस भर में लग गया इट्स, ठीक है, इट्स अकॉर्डिंग टू सब, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लग गया, ऑब्जेक्ट क्या है, अमेंगो, ठीक है, तो हो गया। अब भाई पैसिव वॉइस में क्या होता है, जब सीधा आपको कुछ नहीं करना है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ तो सीधा आपको ऑब्जेक्ट पहले घेर देना है, ऑब्जेक्ट क्या है, अमेंगो, आई होप कि यहाँ पे दिख रहा है अमेंगो। अब भाई इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है कि भाई यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर तो आप लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट प्लस इज एन आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होते हैं, याद रखना। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस इज एन आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप मुझे बताना, ओ सॉरी, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहां पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। देखो पैसिव वॉइस में लगता है क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कि सबसे पहले भाई ऑब्जेक्ट लगते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए मैंगो, यहां पे मैंने ए मैंगो लिख दिया, राइट। देन आपने बोला कि भाई इज एम आर लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए मैंगो है, ए मैंगो के साथ मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा इज लगेगा, ठीक है, क्योंकि एक एक की बात कर रही तो हम आर तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि एक की बात कर रही तो भाई सिंगलर, तो सिंगलर वर्ब लगेगा इज, ठीक है। अब बोला वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे इट है तो भाई इट का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इट एट, इटेन, इटेन, और मैंगो इज इटेन। देखो अब उसके बाद ना बाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, बाई का प्रयोग किया जाता है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पर बाई का प्रयोग कर सकते हो, बाई प्लस एजेंट ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन आप यहाँ बाई लगाना, ठीक है, बाई लग गया। देन आपने बोला कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या भाई, राम सब्जेक्ट है, यहाँ पर राम कर दो, मैंगो इज इटन बाई राम, सिंपल सा तो था, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट देन इज एम आर लगा दो, देन भाव का थर्ड फॉर्म लगा दो, देन बाई लगता है, देन सब्जेक्ट लगता है, ठीक है, या फिर आप सब्जेक्ट न करके आप ऐसा भी कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भाव का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस एजेंट, आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। चलो तो आई होप कि फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि यहाँ पे भाई ये मैंगो था, ये मैंगो का ये ले लिए, इसके बाद इज एम आर में से यहाँ पे देखे कि भाई यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, क्यों, क्योंकि इसके अंदर भाई एस या एस लगा हुआ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट मतलब इस स्ट्रक्चर पे मिल रहा है, ठीक है, तो यह स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो मुझे पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है भाई, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा दिए, ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर होता है कि भाई इसको इसको चेंज करके हमको लगाना पड़ता है इज एम आर, ठीक है, और भाई वर्ब का कितना फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए, देन आफ्टर भाई बाई का प्रयोग किया जाता है, बाई का प्रयोग हमने कर दिया, देन आफ्टर सब्जेक्ट लग जाता है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या था, राम था, तो राम लगा दिए, इसमें ऑब्जेक्ट ये था, ये लगा दिए, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म ये कर दिए और बाई लगा दिए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। आइए देखते हैं इस पर एक और क्वेश्चन, आपको डाउट्स को क्लियर मैं कर देता हूँ, ठीक है, जल्दी से इसको मिटा लूँ, तब तक चलिए क्वेश्चन है, आई राइट और राइट और लेटर, ठीक है, अब देखना और राइट और लेटर है, यह कौन सा टेंस का वाक्य भाई, बताओ जल्दी से बताओ आप लोग, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये किसमें है, एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में, कैसे भाई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, समझ गए, इतना हमको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फटाक से सबको पहले मैं इरेज करता हूँ, देन आफ्टर मैं एकदम इजीलिएस्ट इजीएस्ट वे में इसको बताने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। चलिए आपको ये पता चल गया कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो सबसे पहले होता क्या है कि भाई ये ऑब्जेक्ट को यहाँ लाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, ये लेटर, ठीक है, अब क्या करते हैं भाई कि उसके बाद लगता है इज एम आर में से कुछ ए, ठीक है, आप ऐसा यहाँ पे लिख सकते हो कि इज, ठीक है, एम या फिर आर में से कुछ एक हम लगा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ए लेटर है, एक की बात कर रही है, इज लग जाएगा, ए लेटर इज, ठीक है, अब यहाँ पे किसका बात किया, भर्व का थर्ड फॉर्म का बात कर रहा था, ए लेटर यहाँ पे ये भर्व का, सॉरी भर्व का, इसको ना एम को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, बेटर रहेगा, ठीक है, अब यहाँ पे राइट का रिटन, राइट रोट रिटन, ए लेटर इज रिटन, अब क्या बोला भाई हमको लगाने के लिए, बाई बोला लगाने के लिए, तो बाई यहाँ पे लगा दो, ए लेटर इज रिटन बाई,
अब क्या बोलता है भाई कि हमको जो सब्जेक्ट था ना फर्स्ट वाला वे लगा देना लास्ट वाला में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आई है, आई। हाँ अब बताओ यहाँ पे मैं आई का आई लिख दूँ गलत हो जाएगा, आई का मी होगा। सर सब लगाते हैं इसलिए हम भी लगा दे क्या मी, हम भी ऐसे मी लगा दे, क्यों लगाते भाई, इसके पीछे भी वजह होता है, ऐसा नहीं भाई कि याद करो भाई हाँ मतलब इसके बाद मतलब आई कमी होता है, ये होता है, वे होता है, हूं का हूं होता है, ऐसा नहीं भाई, सबके पीछे का वजह होता है। देखो बाई त्रिपोजिशन है ना, बाई जो त्रिपोजिशन है ये अपने साथ क्या लेता है, अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है भाई, बाई जो त्रिपोजिशन है ये अपने साथ क्या लेता है भाई, ऑब्जेक्ट लेता है। जब बाई त्रिपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है तो भाई यहाँ पे सब्जेक्ट तो आप लगा ही नहीं सकते हो ना, लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यह सब्जेक्ट आई क्या सब्जेक्ट कह सकता हूँ, यह हमेशा क्या लेता है भाई अपने साथ ऑब्जेक्टिव लेता है, तो ऑब्जेक्टिव आई का क्या होगा मी हो जाएगा, तो सिंपल सा बन जाएगा अ लेटर इज रिटेन बाई मी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। देखिए कितना इजिएस्ट वे से मैं कितना आराम से कितना आसानी से बता रहा हूँ, टेंशन मतलब हर कुछ यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, टेंशन मत लेना ठीक है। तो देखिए कितना आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बन गया ठीक है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप यह समझ गए होंगे ठीक है, तो मैं इसे जल्दी से इरेज करता हूँ, बिना पर मैं आपकी होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप इसे बना लेना ठीक है। चलिए आई प्ले ठीक है, ही रीड्स अ बुक ठीक है, राहुल प्लेज क्रिकेट ठीक है। आप ये तीनों का पैसिव वॉइस बनाना ठीक है, इसका ना पैसिव वॉइस सब तीनों का बना देना ठीक है, बना के आप मुझे कमेंट कर देना कि सर ये मेरा सही था। चलिए तो अब तो ये हो गया भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आते हैं फ्रेंड्स आपको पास सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस रहेगा पैसिव वॉइस में तो मुझे वह एक्टिव वॉइस में कैसे बन जाएगा, देखिएगा ध्यान से। तो मैं आई होप कि फ्रेंड्स ये आप इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है, आप बना लीजिएगा। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ ठीक है, तो भाई आराम से भरो ठीक है, आप वे एकदम इत्मीनान से पढ़िए, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई जब कंप्लीट करूंगा तो मैं कंप्लीट करूंगा, आप टेंशन मत लो। और ऐसे ही भाई इसका सिलेबस उतना कोई हार्ड नहीं है भाई, आप लोग झूठ मूठ बने इसका परेशान वे कर रखते हो, बदनाम कर रखते हो भाई, आप लोग इंग्लिश को तो यूं ही बदनाम कर रखे हो, असली डर तो भाई मैथ से लगते हैं बच्चे को ठीक है, तो इंग्लिश को तो आप ही यूं ही बदनाम कर रखे हो ठीक है। चलो चलिए ओके, तो अभी देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस राइट। चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर बहुत लोग इसको क्या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस ही बोलते हैं ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं ठीक है। तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपको पता है स्ट्रक्चर क्या होता है टेंस में, मैं बताता हूँ आपको पता है, देखो बेसिक्स अगर आपको पता है तो आप मेरे वीडियो को स्किप करिए आगे बढ़ाइए ठीक है, और आप देखिए कि कहाँ से ये टेंस का पार्ट समाप्त हो रखा है, फिर वहां से मैं आपको इतना अच्छा अच्छा लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा भाई कि यार आप कहाँ ही बताऊं। देखते हैं चलिए देखो भाई मैं यहाँ पर आज मिनट देख के नहीं पढ़ाने बोला हूँ, मैं जब तक ये कंप्लीट नहीं करूंगा तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ ठीक है भाई। चलिए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाते हैं इज एम इज एम आर, देन आता है भर का चौथा रूप बोले तो भर में आई एन जी ठीक है, देन आता है आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर भर का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये सारे का सारे स्ट्रक्चर है। तो भाई जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आई एम पी एल ए वाई आई एन जी, आई एम प्लेइंग ठीक है, तो भाई ये आई एम प्लेइंग है, तो हम कैसे जाने कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, तो
तो सर ऐसे जाने कि यहाँ पे हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का चौथा रूप लगता है इज एम आर के साथ। जब इज एम आर के साथ वर्ब का चौथा रूप यहाँ पे लग गया है प्ले में आईएनजी, तो दैट्स कॉल्ड अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया तो मुझे इसका भाई अब पैसिव बनाने के लिए आपको बोलेगा, तो पैसिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना, देखिएगा उसका स्ट्रक्चर। ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, किसमें सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में। बहुत कुछ क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब यानी वर्ब में थर्ड फॉर्म नहीं है, और भाई ये सिंपल सा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे अपना रूल फॉर्मूला काम करता है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो समझना कि आप लगा दो क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका मैं पैसिव में जाऊँ करने, देखना पैसिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले आप लिखो। सबसे पहले क्या भाई, ऑब्जेक्ट लगा दो, ऑब्जेक्ट प्लस। अब देखो भाई इज एम आर में से होता क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर लगा दो यहाँ पे, इज एम आर प्लस बिंग बी ई आई एन जी। ठीक है, ये लगाना जरूरी है भाई, लोग छोड़ देते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिंग। ठीक है, प्लस यहाँ पे वर्ब का चौथा रूप है, तो हमने क्या बताया कि पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। बहुत बढ़िया भाई, लोग वर्ग का थर्ड फॉर्म था यार, मुझे लाइव क्लास करने का कराने का मन करा, रियली बता रहा हूँ, लेकिन उसके लिए उतना इक्विपमेंट मेरे पास नहीं है। बट बहुत जल्दी जैसे ही चैनल अच्छी तरह से ग्रो करता है, मोनेटाइज करता है, देन अपडेट के मैं लाइव क्लास करूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है भाई, तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिंग वर्ग का चौथा रूप को हमने चेंज कर दिया वर्ग का थर्ड फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद लगा देंगे बाई प्लस एजेंट, चाहे बाई ये सब्जेक्ट लगा दो भाई, यहाँ पे सिंपल था, तो ये फंडा है। लो भाई आ गया आपका स्ट्रक्चर उतर के, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस विंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है भाई, तो चलिए अभी आपको ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक जल्दी से मैं इसको जल्दी से रफ कर देता हूँ, देन आपको मैं आपको क्वेश्चन शो करवा रहा हूँ। ओ सॉरी, आप इसे स्क्रीन शॉट लेना। ठीक है भाई, चलिए ओके। इज एम इज प्लस भाव का चौथा रूप। ठीक है, आप ये इसका ले लो और इसका भी फटाक से स्क्रीन शॉट लीजिए। ठीक है, फिर मैं इसको इरेज करूंगा, आपको क्वेश्चन शो करवाऊंगा। आई होप कि आपने स्क्रीन शॉट लिया। चलिए क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। ठीक है, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये क्वेश्चन है। बताओ भाई किस टेंस में, ये कौन सा एक्टिव या पैसिव है। बहुत बढ़िया, आप लोग बता रहे हो एक्टिव वॉइस। क्यों भाई, वर्ब का थर्ड फॉर्म उसमें है ही नहीं, तो इसमें क्यों भाई एक्टिव, इसको पैसिव करना। ठीक है, ये जब एक्टिव में है, अब बताओ कि कौन सा टेंस है भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है क्या। सर बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि भाई इज एम आर के साथ वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग किया गया है। जब इज एम आर के साथ वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग किया गया है, जब दैट्स कॉल्ड अ क्या, कौन सा टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। तो ये कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगता है, तो ऑब्जेक्ट कौन है भाई। ठीक है, देखो अब इतना आसानी से मैं बताऊंगा, देखो ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। अब कैसे जाने क्रिकेट ऑब्जेक्ट है भाई, इस आई का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, ये देखो भाई आई का प्रभाव पड़ रहा है क्रिकेट पे, इस पे पड़ रहा है ना आई का प्रभाव क्रिकेट पे। जब आई का प्रभाव क्रिकेट पे पड़ रहा है तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब भाई क्रिकेट का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आई पे, तो आई सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ये फंडा अपना भाई, जिसका चर्चा चले वो सब्जेक्ट, और जिसका चर्चा चलने वाला का प्रभाव जिस पे पड़ जाए, दैट्स कॉल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल सा बात है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्रिकेट और क्रिकेट को यहाँ पे चेंज कर दो, किसके अंदर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट लग दो ना, तो क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट करते, यहाँ पे क्रिकेट लिख दो। ठीक है, क्रिकेट लिख दो, आप यहाँ पे ऊपर लिखते जाना कि भाई सबसे पहले लगता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर मैंने क्या बताया कि इज एम आर लगेगा, तो क्रिकेट है, इज क्रिकेट इज। अब बोला कि भाई बिंग लगेगा, ठीक है, अब बोला क्या भाई कि इज एम आर के साथ इज चाहे एम चाहे आर लगेगा। ठीक है, और प्लस क्या लग जाएगा उसके साथ, बिंग, बिंग लग जाएगा। अब बताओ भाई कि यहाँ पे क्या लगेगा, बींग लगेगा कि नहीं लगेगा, बींग लगेगा। जब बींग लग गया तो ठीक है, उसके बाद क्या बोला, वर्ब का हमको थर्ड फॉर्म लगाना है, लगाना भाई वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले, इसका ओरिजिनल वर्ब है। ठीक है, तो इसका वर्ब का मेन वर्ब का
थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड हो जाएगा, तो यहाँ पे PLAYE रिप्लेट कर दो, तो क्रिकेट इज बींग प्लेड। अब क्या बोला भाई हमको लगाने के लिए, बाई बोला लगाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं लिख दो भाई बाई, तो यहाँ पर बाई लगा दो, ठीक है। अब बोला कि भाई हम वो बदलना है जो अब सब्जेक्ट लिख देना, तो सब्जेक्ट इसके अंदर कौन है भाई, आई सब्जेक्ट है ना भाई, आई सब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पे आई क्या आई लिख दिया क्या लिख दिया आई, नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि पता है वो कि ऑब्जेक्ट जो बाई है, सॉरी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, तो ऑब्जेक्ट लेता है तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। देखो कितना सिंपल बन गया, तो इतने आसानी से क्वेश्चन बन गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए इसी बिहाफ पे मैं आपको क्वेश्चन कुछ दे देता हूँ, आप बना लेना और बना के मुझे बताना, ठीक है। चलिए कर आई क्वेश्चन लिख लेना, आई एम राइटिंग अ, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेना, He is eating a mango. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लिख लेना, या सीता is going to market. ये तीन क्वेश्चन है, ठीक है, एक्टिव में आपको इसे पैसिव वॉइस बनाकर लिखना, ठीक है, पैसिव वॉइस बनाना, सॉरी इजी नहीं, पैसिव वॉइस, ठीक है, अब ये पैसिव वॉइस कर लेना, ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आई होप आपने ऐसा कर लिया होगा, ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, देन आफ्टर मैं आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट जो कि होगा आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए सॉरी फॉर इंटरप्टिंग फ्रेंड्स, अभी जस्ट मेरा मतलब मोबाइल का पूरा स्टोरेज फुल हो गया था, सो रीजन मतलब थोड़ा सा भी जैसे डाटा को मैंने अपने लैपी में लिया हूँ, दिन आप फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि यार देखो क्लास तो लेना है, सिंपल बात है, कुछ भी हो जाए तो ठीक है। प्रेजेंट का नेक्स्ट टेंस खत्म हो गया ना, आपको भी इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है यार, देखो कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं भाई, लेना है क्लास तो लेना भाई, चलो जितने घंटे की जाए चल जाए, इजेंट मैटर, एक डेढ़ घंटे जाए, डेढ़ घंटे जाए, दो घंटे, पाँच घंटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लास लेंगे भाई। चलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप समझ गए आई होप। अब अभी देखिए ये सारे के सारे मैं आपको बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यदि आप बेसिक्स अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पूरा स्किप करते जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि टाइम बर्बाद अपना मत करो, आपको ये सब आता है तो आप टेंस के बेसिस आता है, आप ये मत करो भाई, सीधा आप स्किप करो वीडियो को, और आगे जाइए और आगे आपको एडवांस लेवल मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भाई स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत अच्छे भाई, कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आई थिंक इधर दिख रहा है क्या, ओ नहीं इधर नहीं दिख रहा, चलो ठीक है, ये यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म तक दिख रहा है, ठीक है, और नीचे में लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होते हैं भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो तो ये आप समझ गए ना, एक्टिव वॉइस में भाई कितने एक्टिव वॉइस में ये काम करेगा रोल, देखना कैसे, आई हैव के आई डोंट किल्ड अ स्नैक, ठीक है, ठीक है, देखो यहां पे अब इस स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन बैठ रहा, कैसे देखो आई क्या भाई, ये सब्जेक्ट है कि नहीं है, सब्जेक्ट है, और उसके बाद हैज या हैव बोला, यहाँ पे हैज या हैव है कि नहीं, हैज या हैव है, भर का थर्ड फॉर्म है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्नैक है कि नहीं है, इस पे ये कौन सा भाई टेंस बैठा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बैठा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं इसको जल्दी से आपको फटाक से मैं इसको मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ, ठीक है, कि भर कौन है, सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, ताकि आपको चीजें समझने में आसानी होगा, ठीक है। देखना देखो भाई ये जो है ना सब्जेक्ट, ठीक है भाई, ये वर्ब एंड ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताता हूँ, ऐसे कर दो, ठीक है भाई, आई होप कि नीचे दिख रहा होगा, ठीक है, और इसको ऐसे कर दो, ठीक है, चलो ठीक है। तो अब भाई करना क्या है कि सबसे पहले भाई ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, एक सेकंड दिख रहे हो, दिख रहा है कि नहीं है, ओके दिख रहा है, ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है, अ स्नैक हो गया, उसके बाद क्या बोला, हैज या हैव में से, तो यहाँ पे हैज या हैव बोला, उसके बाद बीन बोलता है लगाने के लिए, पैसिव में बात है भाई,
है जी है बोला, उसको बीन वाला लगाने के लिए, उसको भारू का थर्ड फॉर्म वाला लगाने के लिए, और बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। तो पैसिव का इधर मैं स्ट्रक्चर फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे आप नहीं समझे तो, ठीक है, कि भाई लगेगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ठीक है भाई, उसके बाद आप बीन लगा सकते हैं, ठीक है, प्लस भारू का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सॉरी प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, यानी बाई के साथ सब्जेक्ट आप ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है, बाई सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, ये होता है आपका पैसिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब उसी तरह मैं अब इस अंदाज में लिख दिया हूँ कि भाई सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगेगा, तो ऑब्जेक्ट ए स्नैक हो गया, उसके बाद बोला हैज या हैव में से कोई एक लगाने के लिए, तो एक स्नैक की बात है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैज मैंने लगा दिया। उसके बाद बोला कि भाई इसके बाद ये दोनों की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जस्ट लगाना है आपको बिन, तो बिन लगा दो, सिंपल सा बात है, बीड और ये बिन लग गया। और बोला कि भाई भर का थर्ड फॉर्म, आपको याद है कि भाई किल्ड तो खुद एक आप में भर का थर्ड फॉर्म है, जब किल्ड खुद अपने आप में एक भर का थर्ड फॉर्म है, तो किल्ड का किल्ड यहाँ पे लिख देंगे, सिंपल सी बात है। तो स्नैक हैज बिन किल्ड, अब भाई क्या बोला कि बाई लगाने के लिए, तो बाई लगा दो। उसमें क्या बड़ा लगाने के लिए सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, आई सब्जेक्ट है, तो आई का सब्जेक्ट बदलेगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के यहाँ पे हो जाएगा मी। क्यों सर, क्योंकि इससे पहले मैं तो बता ही आ रहा हूँ, क्योंकि फिर पोजीशन के बाद अपने पीछे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, तो आई तो लिख नहीं सकता हूँ, तो आई का ऑब्जेक्ट लिख रहा होता है मी होता है। देखा कितना सिंपल से, कितना आसानी से, कितना एकदम इजिएस्ट वे में इस चीज को मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और मैं इसको इरेज करता हूँ और आपको साथ क्वेश्चन में शेयर करूंगा, आप उसे बता लेना। चलिए, आई होप कि फ्रेंड आपने ऐसा कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से इरेज करता हूँ, ठीक है, और मैं क्वेश्चन शो करवाता हूँ। ओके ऑल राइट, यार टेंशन मत लो, मैं पूरा मैं ग्रामर से यहाँ पे मैं आपको कर दूंगा, मतलब 15 दिन भाई बहुत होते हैं, मैं इसके अंदर पूरा चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन समझूंगा, बेसिक्स दूंगा, पूरा मैं बताऊंगा, टेंशन वाली वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो देखो, मैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखो ये हो गया, अब भाई सीधा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वे नहीं होता, ठीक है, पैसिव वॉइस में नहीं आता, प्रेजेंट देखो पास्ट टेंस होता। तो मैं चाहूंगा ना कि अब इस चीज को ना अब यहीं पे मर्ज कर देता हूँ, ठीक है भाई, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत टेंस का नॉलेज हो चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या था कि भाई इजम सॉरी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था, तो जब उसको मैं पैसिव वॉइस में बदला तो किस में बदला, इजम हमारा बदला। तो देखो पास्ट टेंस में क्या होगा, वही होगा कि सब्जेक्ट प्लस पास्ट टेंस का देखना, सब्जेक्ट प्लस भारो का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो उसको कुछ नहीं करना है, उसको कर देना आपको पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट लगा देना, उसके बाद वाज या बेयर लगा देना, भारो का थर्ड फॉर्म लगा देना, प्लस सब्जेक्ट बाई प्लस सब्जेक्ट लगा देना, ठीक है भाई, यही होगा इसका स्ट्रक्चर। फिर कंटिन्यूअस टेंस का उसी तरह जहां पे बिंग लगाए थे उसी तरह भाई सिर्फ और सिर्फ भाई हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना, देन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। फिर उसी तरह इसमें इसको चेंज कर दो ना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है, ये देखो ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अगर मैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखवा दिया हूँ कि भाई सबसे पहले ऑब्जेक्ट आते हैं, देन आफ्टर सब्जेक्ट सॉरी ये हैज हैव आते हैं, देन आफ्टर बीन आते हैं, देन आफ्टर वर्ब का थर्ड फॉर्म आते हैं, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। तो ये मुझे नहीं लगता कि और आपको आगे टेंस में पढ़ना चाहिए मुझे, क्योंकि यार ये बेसिक्स आपको मैं प्रेजेंट देखो प्रेजेंट समझ गए, पास्ट में क्या रहता है, वाज वर्ब चेंज कर दो भाई, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दो भाई, और बस वर्ब को चेंज तो वही रहता है, सब चेंज कर दो, फ्यूचर में भी वही रहेगा, ठीक है। कि देखो बिल के साथ बी लगा दो, ठीक है भाई, उसके कंटेंट जो भी परफेक्ट है उसके साथ ये इसको चेंज करके कर दो, ठीक है, बाकी इस बात सब वही सेम रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब यहां से आगे और भी टेंस, क्योंकि यार देखो मैं बहुत लंबा क्लास चल जाएगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ, और मैं इसलिए आपको बेसिक में थोड़ा बता दिया ना, क्योंकि यार ये चीजों अगर आपको नहीं पता हो तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। तो प्रेजेंट समझ जाएगा, पास्ट भी समझ जाएगा, कल फ्यूचर भी समझ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ इस बेसिस को, अभी आपके सामने क्वेश्चन शेयर करता हूँ, ठीक है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन या फिर जो भी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में आने का सामना है, ठीक, उस क्वेश्चन से मैं आपको रूल्स को डिस्कशन करूंगा, एक एक रूल एक एक मतलब कहना भाई अच्छे अच्छे लेवल का रूल डिस्कशन करूंगा। तो आइए देखते हैं, तुम कहने भाई आग लगा देंगे, आग आग धुआं, ये धुआं धुआं कर देंगे, वो इसका टेंस मत लो, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, पूरा भाई टेंस देखो, ये आप यार थोड़ा सा वे मत करना कि यार हम लोग को छोड़ दिए, मतलब बेसिक्स पूरा पढ़ाया नहीं आप चल गए। देखो मैं बेसिक्स जो मुझे लगा ना कि यहां तक आपको इसके आगे मुझे नहीं करना चाहिए, देखो मैं कराने के लिए करा दूं कोई सीन नहीं है, बट यार टाइम जो है ना भाई टाइम बहुत लग जाएगा, ये 1 घंटा से बेसी लग जाएगा भाई ये बेसिक्स कराने में ही, क्योंकि अप्रोक्स आधा घंटा के आसपास तो वही कहूँगे लेक्चर में 10 से, ठीक है, तो यार फिर दिक्कत वाली बात आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं टेंस बेस पे अब खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं सीधा क्वेश्चन लूंगा और उसके बिहाफ पे मैं आपको एंसर और जो भी रूल्स होंगे वो बताऊंगा, ठीक है।
चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चंस लिखते हैं आपके यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से। चलिए अब फटाक से इसको अभी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस हो रहा है, ठीक है। हु नोज यू, इस क्वेश्चंस को बना के दिखाइए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, हु नोज यू। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपके कुछ पॉइंट्स अभी मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। तो यार देखो क्वेश्चंस तो बीच में लिख दिया, ये गलत में कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट करने की ट्राई करूंगा, ठीक है, जितना जगह करेगा उसी के अंदर। अब इस क्वेश्चंस को बनाओ कि हु हेल्प्स हर, जल्दी बताइए ये कौन सा टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, क्यों, क्योंकि भाई इसमें एसएस लगा हुआ वर्ब के साथ, ठीक है। चलो ये जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया कि लगेगा भाई सबसे पहले क्या ऑब्जेक्ट लगेगा, देन आफ्टर इज एम आर में से कोई एक लगा दो भैया, उसके बाद का थर्ड फॉर्म कर दो, देन आफ्टर बाई कर दो, देन आफ्टर उसके बाद सब्जेक्ट लगा दो, ठीक है, बाई प्लस जेम लगा, यही था ना भाई। चलो यही था, जब यही था तो सबसे पहले क्या लगेगा इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले लगा दो हर है, तो ये सब्जेक्ट, जब ये हर ऑब्जेक्ट में, जब सब्जेक्ट में बदलेगा तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो यहाँ पे सी मैंने लगा दिया सबसे पहले, ठीक है भाई। इसका दिन में आपने बोला कि इज एम आर लगाने के लिए तो सी के साथ क्या लगता है, इज लगता है, लगा दो भाई इज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सी ई उसका बोला भर का थर्ड पॉइंट, हेल्प का भर का थर्ड पॉइंट क्या होता है, हेल्प होता है, ठीक है। तो सी इज हेल्प, उसका क्या बोला बाई लगाने के लिए, लगा दो बाई, बाई लगा दिए। अब हुम हु है तो हु किस में बदलेगा भाई, हु में बदलेगा। अब ये सब्जेक्ट यही ना है भाई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यही ना, तो सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट लास्ट में आएगा ना, जब सब्जेक्ट लास्ट में आएगा तो सब्जेक्ट तो उतरेगा नहीं, इसका ऑब्जेक्टिव कैसे उतरेगा, तो ऑब्जेक्टिव क्या, हु का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि बाई अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, तो बाई के कारण हमने यहाँ पे हु का हुम कर दिया, ठीक है, हुका हुम कर दिया, इसका आंसर हो गया सी इज हेल्ड बाई हुम। लेकिन रुको जरा और इसका कुछ समझ लगा, अब मुझे एक बार बताओ, ठीक है, ये स्ट्रक्चर सही लग रहा है क्या, ये क्वेश्चंस वाला पैटर्न है, इंट्रोगेटिव वाला बात कर रही है, जब क्वेश्चंस वाली बात कर रही है, इंट्रोगेटिव वाली बात कर रही है, ये क्वेश्चंस का सी इज हेल्ड बाय हुम, ये पैटर्न आपको सही लग रहा है, ये सही से बना हुआ है क्या, नहीं बना हुआ सही से, जब सही से नहीं बना हुआ तो सही करो, तो सही से क्या होगा, सबसे पहले क्या आता है, ये इंट्रोगेटिव वाली ये बात है, तो सबसे पहले जो भाई इन क्वेश्चंस वाला सेंटेंस पार्ट होगा वही नहीं उठाएंगे, तो यहाँ पे हुम लगाएंगे, लेकिन सिर्फ हुम ही नहीं लगाएंगे, बाई भी लगाएंगे, क्यों, क्योंकि बाई किसके लिए आया, इसके लिए बाई आया था ना, हुम के लिए आया था, तो दोनों जब भी रहेगा तो साथ में रहेगा, जब भी साथ में रहेगा तो लगा दो बाई हुम, ठीक है। अब भाई उसी तरह से इसके साथ क्या रहेगा, अब एक बताओ कि जब भाई इंट्रोगेटिव में इसके बाद क्या लगता है, बाई हुम के बाद क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके अंदर, भाई इज लग जाएगा, इज है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, तो मैंने इज लगा दिया, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है ना, तो सब्जेक्ट कौन सा है, सी है, तो सी यहाँ पे लिख देंगे, तो बाई हुम इज सी, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या, हेल्प्ड है, तो यहाँ पे एच ई एल पी ई डी हेल्प कर दो, तो बाई हुम इज सी हेल्प्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर दो, ठीक है, तो इसका ये बन जाएगा सिंपल सा, समझ गए, देखो बाय हुम इज सी हेल्प, क्यों भाई, क्योंकि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए भाई, जब इंट्रोगेटिव जब कैसे बनता है, डब्ल्यू जो वाला कैसे बनता है सेंटेंस, आपको सेंटेंस में आपको पता होना चाहिए, इतना तो पता नहीं होना चाहिए, भाई ये सब बनेगा, तो आपको इस आधार पर बेसिस में बना, ठीक है, और मैं आपका इसका स्ट्रक्चर भी लिखवाऊंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है, लेकिन इसके पहले एक और मैं क्वेश्चन दिखा देना चाहूंगा, ठीक है, आपको इसी आधार पे एक और मैं क्वेश्चन देना चाहूंगा, ठीक है, चलो तो क्वेश्चन में लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनाओ, हु कैन डू दिस, ठीक है भाई, और ये तो आपको पता है कि भाई जो भी ये कैन कुड शुड वुड ये सब मॉडल वर्ब आते हैं तो उसके साथ बी अपना लेता है, कैन सिंपल सा बी लग जाएगा, ठीक है, बी लेता है अपने साथ, ठीक है, कैन बी लेता है, कुड भी लेता है, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हु कैन डू दिस, चलो मैं पहले इसका स्ट्रक्चर लिखवा देता हूँ, ये इस बेसिस वाला क्वेश्चन पे, तब आपको आसानी लगेगा, देखो मैं इधर दिख रहा है क्या, ओके मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखवा देता हूँ, देखो सबसे पहले देखो जब भी क्वेश्चन हु से स्टार्ट वगैरह हो ना तो लगा दो यहाँ पे बाई होम, ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या कर दो भाई हेल्पिंग वर्ब कर दो, क्या कर दो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद कर दो भाई सब्जेक्ट, और उसके बाद कर दो भाई मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई होम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म उसके बाद कर देना, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर रहने वाला है, इस स्ट्रक्चर में ये बना लो, हुआ भाई तो यहाँ पे कर दो बाई होम,
ठीक है सबसे पहले हाँ भाई होम कर दो, वो तो पता ही आपको कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कौन है, मैं बार बार बताना जरूरी नहीं, तो भाई होम कर दो ठीक है। और उसके बाद क्या बोला भाई हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए, तो देखो भाई एक बताओ यहाँ पे कैन जो है ना कैन लग जाएगा। अब भाई देखो कैन लग गया, उसके बाद बोला सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या है दिस सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग आया यहाँ पे तो दिस। अब उसके बाद लगेगा भाई इसके अंदर कैन के बाद भी लगेगा ठीक है, या कैन भी जो मॉडल वर्ब है मॉडल वर्ब को साथ अपने साथ भी लेता है, तो यहाँ पे मैंने भी लगाया। ये मैं समझा कि स्ट्रक्चर मैंने नहीं लिखवाया, ये बेसिस पे स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन भाई ये सेंटेंस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मॉडल वर्ब के सेंटेंस कैसे बनते हैं, ये आपको पता होगा तभी बनेगा ठीक है। तो बाई हुम कैन दिस, बाई हुम कैन दिस बी, उसके बाद क्या बोला भाई मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब ये है ना भाई, इसका थर्ड फॉर्म डन। तो बाई हुम कैन, बाई हुम कैन दिस बी डन ठीक है, ये होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे मैंने बी की इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे मॉडल वर्ब आया था ना ये, इसके कारण मैंने यहाँ पे बी लगाया, अदरवाइज मैंने ये नहीं लगा रहा था। अगर यहाँ पे कुछ अगर आता दूसरा कि हु रोट्स हु टीच यू ठीक ना, तो फिर तो यहाँ पे ये भी नहीं लगेगा ठीक है। फिर वहाँ पे उसका देखो टेंस, ये जिस टेंस मतलब जो भी इसका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से इसका रूल्स क्या आता है, जैसे कि वे बनता है, अगर पार्ट पास्ट टेंस कराता, प्रेजेंट टेंस कराता, कंटिन्यूअस टेंस कराता, फिर उसके अंदर बींग भी लगाना पड़ता हमको कंटिन्यूअस टेंस कराता, तो फिर परफेक्ट टेंस कराता, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कराता, उसके अंदर हमको बीन भी लगाना पड़ता, तो ये सब चीज़ें होते हैं। तो ये सब आपको आपको खुद से पता होना चाहिए, तब ये सब आपको मतलब कहाँ क्या लगना चाहिए या आपको याद होना चाहिए ठीक है। तो बाई होम ठीक है, इसके यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कैन मैंने लगा दिया ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट ये इसको बीस मैंने लगा दिया, उसके बाद इसके चलते यहाँ बी लगाया, उसके बाद भाव का थर्ड फॉर्म डन कर दिया ठीक है। सिंपल से तो बात है, सिंपल सा हो गया। अब देखना इसको मैं इरेज कर दूँ ठीक है, फिर भी आप लोग गलत कर दो सियोरिटी में, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है, जल्दी से समझा लेता हूँ ठीक है। चलो ये क्वेश्चन को बनाइए, बहुत लोग बनाएंगे भाई इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन ठीक है, रॉन्ग ये गलत है, किस व्याप पे गलत है मैं बताता हूँ आपको, देखना कैसे लोग गलत कर जाते हैं ठीक है भाई। इसीलिए मैं यार कहना भाई एक चीज मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं देखो कॉमन रूल भी जो बताना वह सभी आपको बताएंगे, आपको पता रहना पता ही होगा मे भी, लेकिन ये जो ही बताने वाला हूँ ना ध्यान से सुनना, लिखना भी साथ में लिखना इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखो यहाँ पे ना नोन की बात आ रही है, नो की बात आ रही है, तो याद रखना कि जब नो इज इक्वल टू पर्सन, जब नो इज इक्वल टू पर्सन देन टू पैसिव वॉइस में, जब नोन पर्सन की बात करें तो पैसिव वॉइस में हम टी और टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब नोन पर्सन नहीं थिंग का बात कर दे, समथिंग का बात कर दे ठीक है, तब हम पैसिव वॉइस में किस चीज का प्रयोग करते हैं, एफ ओ आर फोर का प्रयोग करते हैं ठीक है। ये दो चीज आपको याद रहना ही चाहिए। तो अब एक बार बताओ कि यहाँ पे नॉन किसकी बात कर रही है, पर्सन की बात कर रही है, तो भाई यहाँ पे जब पर्सन की बात कर रही है, तो जब पर्सन की बात कर रही है इट मीन्स की टू आएगा, तो फिर भाई कैसे लगा रहा हूँ, जल्दी से अपने दिमाग में से निकालो उसको, दिमाग में से निकालो घींचो और फेंको कि भाई नो के साथ भाई का नहीं लिखता, नो के साथ भाई का प्रयोग नहीं करेंगे, नो के साथ भाई का प्रयोग नहीं करेंगे, नो के साथ भाई का प्रयोग नहीं करेंगे, डालो नो के साथ टू का प्रयोग करेंगे, नो के साथ टू का प्रयोग करेंगे, नो के साथ टू का प्रयोग ही करेंगे, पर्सन के साथ रहेगा तो टू का थिंग के साथ रहेगा तो फोर का प्रयोग करेंगे, इसको दिमाग में घुसा दो ठीक है। अब लोग कन्फ्यूज कर देंगे भाई कि ऐसे 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 भाई लगा देंगे, गलत कर देंगे, लेकिन आप को पता चल गया भाई कि नो पर्सन अकॉर्डिंग टू टू इजल टू पैसिव वॉइस, नो थिंग इजल टू फोर किसमें पैसिव वॉइस में, तो भाई आप बताओ, अब आप खुद बताओ, अब खुद आंसर बताओ हमको, फर्स्ट वाला होगा क्या बाई लग रहा है, नहीं होगा। अब बताओ ये थर्ड वाला होगा क्या, हुम आर यू नोन बाई लग रहा होगा क्या, नहीं लगेगा। अब बताओ हु आर यू, ये तो उसका तो बात ही जोड़ो ठीक है। बचा क्या भाई बी नंबर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टू लग रखा है और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म एकदम सही है नोन है ठीक है, और अकॉर्डिंग टू पता है कि नोन के साथ क्या लगता है, टू लगता है, इसलिए मैंने टू ऑप्शन नंबर बी दो। क्वेश्चन आया मैंने आंसर देखा भाई नोन इज इक्वल टू बाई तो लगेगा नहीं, बाई लगेगा नहीं, सिंपल टू लगेगा, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट हियर। क्या इसके अंदर कुछ करना भाई, आप लोग समझ रहे, देखो इसीलिए मैं इसके पीछे दो दो तीन क्वेश्चन करवाए थे आपको, कि ताकि भाई आपको देखो
वो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन भाई यहाँ पे बात ये आ गया ना, इसके कारण ये गलती हो गया। वे आपको जो भी मैंने बताया ना, वो बेसिक्स आपको पता होंगे, लेकिन एग्जाम में बेसिक्स कम और मतलब घुमाऊ वाला क्वेश्चन ना, मतलब घुमा के क्वेश्चन ज्यादा पूछ देता, ठीक है। तो ये चीजें हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आपका सेकेंड क्वेश्चन की ओर, जो कि अभी मैं उसको इरेज करता हूँ, तो मैं आपको क्वेश्चन शो करवाता हूँ, ठीक है। चलिए देखना भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक ये इधर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, इसको नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर टैप लिखा हुआ है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा ऐसा। कह रहा कि टैप वाटर फिल्स दिस टैंक, ठीक है, देखना फिल्स की बात आ रही है, प्रेजेंट है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिटेंस का वाक्य है, इसका ऑब्जेक्ट ये पैसिव में हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, देन आफ्टर क्या लगेगा, ये क्या बोलते हैं, इज एमआर भर का ठहरपन प्लस सब्जेक्ट बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसा लग जाएगा। लेकिन सबर करो जरा, रुको, देखना यहाँ पे बात दिस टैंक, यहाँ तक भाई बात मजरा सबका सही आ रहा, फिर यहाँ पे ये फंस जाता है और यहाँ पे ये फंस जाता है, ठीक है भाई, ये तक तो सबका सेम लग रहा है, द टैंक, ठीक है, टैप वाटर, ओह माय गॉड, लाइट इज गोइंग ऑन, ठीक है भाई, यहां तक तो आपको मजरा सही लग रहा है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन को कंसेप्ट को मैं क्लियर करूंगा, दे नहीं आफ्टर मैं जाऊंगा, यहां तक तो आपका सब कुछ टैप वाटर, यहां भी टैप वाटर लिखा हुआ, लेकिन भाई बात फंसता है इसमें, ये मार वाला में वाज बराबर इसमें फंसता है, तो याद रहे कि भाई फील्ड के साथ, मानी फील्ड डैश समथिंग, तो फील्ड के साथ भाई हम विथ का प्रयोग करते हैं, फील्ड विथ समथिंग, याद रहे कि फील्ड के साथ आप बाई नहीं लगाओगे, जल्दी से आप दिमाग में से ये याद बाहर खींचो कि फील्ड के साथ बाई नहीं, 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 घुसाओ फील्ड के साथ विथ, फील्ड के साथ विथ, फील्ड के साथ विथ लगेगा, फील्ड के साथ विथ लगेगा, याद रखना कि फील्ड विथ समथिंग, ठीक ना। तो आप लोग कंफ्यूज क्या करते हो कि भाई वॉयस बनाना है, तो वॉयस में तो हमेशा आप लोग के दिमाग में यही चलता है कि भाई यहाँ पे बाई लग जाएगा, लेकिन भाई कुछ कंडीशन में देखो क्वेश्चन कह क्या रहा, सीधा बस आए बस तुक्का मार के चल गए, नहीं भाई ऐसा नहीं काम करना है, ये देखो ना कंडीशन क्या कह रहा है, देखो तो यहाँ पे टैप वाटर, अब बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा, तो इसमें प्रेजेंट इसका स्ट्रक्चर इज मार लगेगा, तो वाज वाला तो होगा नहीं, सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे तीन तीन मजरा फंस रहा है, तो हमको तो बी ऑप्शन सबसे पहले ध्यान में देना ही नहीं है, अब ए सी और डी ध्यान में देना, तो हमको पता है कि फील्ड बीत होगा, तो बाई लगा गया ये भी नहीं होगा, फ्रॉम लग गया ये भी नहीं होगा, और दो में बीत लगा गया इसमें और इसमें, तो बी वाला तो ऑलरेडी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पास्ट की बात कर रही है, लेकिन हमको करना क्या है प्रेजेंट वाली, क्योंकि इट्स प्रेजेंट इंडिपेंडेंस, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पैसिव वॉइस में कि इज एम आर लगता है, भाई हम यहाँ पे इज एम आर लगाएंगे और बीत लगाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, यानी दिस टैंक इज फिल्ड विथ टैप वाटर, ठीक है भाई, ऐसा इसका मतलब याद रहे, लिख रहे कि फील्ड विथ समथिंग, ठीक है भाई, यहाँ पे विथ लगेगा, ठीक है भाई, यानी फील्ड विथ समथिंग, जब किसी चीज से भरने के लिए बात हो तो यहाँ पे विथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। तो देखो भाई आई थिंक लेक्चर, देखो लेक्चर लंबा समझे पास नहीं है यार, लाइट भी कट गया, ठीक है, तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे मर्ज मतलब खत्म करना चाहूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में टाइप इसी का भाई, अभी बहुत सारे वॉयस का ही मैं कराऊंगा क्लास, ठीक है, नेक्स्ट वाली में टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, कॉमर्स देखो जैसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ रूल भी बता रहा हूँ कि नहीं, रूल बता रहा हूँ, तो इसी तरह मैं आगे भी करूंगा, ठीक है। अभी आप फ्रेंड्स यहाँ तक मेरे साथ बने रहे होंगे ना, यार आपको दिल से सैल्यूट है, आपके अंदर जज्बा है कुछ कर गुजरने का, कुछ पढ़ने का, कुछ करने का, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड लव लव।